खंडवा जिले के हरसूद में महिला पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था। इस घटना के दूसरे दिन फिर से एक पटवारी लोकायुक्त की गिरफ्त में आ गया। राजेश धात्रक नामक पटवारी 4000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक मांगीलाल प्यासे ने बताया कि कृषि भूमि नामांतरण के मामले में पटवारी ने 10000 रुपए मांगे थे, फिर अनुरोध करने पर उसने 9000 कर दिए। इस पर जब उन्होंने 8000 देने को कहा तब इस पर भी पटवारी तैयार हो गया, 2000 दूसरे ही दिन दे दिए और आज 4000 की रिश्वत लेते पटवारी राजेश धात्रक पकड़ा गया। तो बोले यार वो 10000 रुपए लिया, 6 पावती बनेगी, तुम्हारी 4 पावती को तोड़ के 6 बनाना है तो 10000 लगेंगे। तो फिर बाद हमने बोला साहब कुछ कम करो, तो फिर दूसरे भाई बोले हम तो इतने देंगे नहीं, तो फिर वो मना कर गए। तो फिर मैंने बोला कि मेरे हिस्से की ज़मीन मेरे को दे दो, छठवां हिस्सा, और जो 2 एकड़ 2 भाइयों के नाम से उसमें से एक एक एकड़ की 2 पावती बना, तो वो एक एक एकड़ की पावती बनाने के लिए फिर मैंने इनसे बात करी तो बोले कि 10000 तुम्हारे भी लगेंगे। मैंने कहा नहीं साहब कुछ कम करो, तो फिर बोले 9 दे देना। फिर जाते जाते फिर वो खेत में उसने बोला, तो मैंने बोला कि नहीं साहब 9 नहीं 8 दूंगा मैं। तो बोले ठीक है तुम शाम को आ जाओ। शाम को गए, दस्तखत वस्खत कर देना। कहाँ पर बुलाया था आपको? ये उसका घर है या एस एन कॉलेज के पास, इंदिरा चौक पर। हाँ, इंदिरा चौक जो है ना उसके जस्ट साइड में है, वो मंदिर है ना उसके पीछे जी, 3 मंजिल का मकान। तो कब बुलाया था, आज बुलाया था कि पहले बुलाया था? तो 2-3 बार हम हो चुके जी। तो 15 तारीख को, फिर कल वो लोकायुक्त वालों के साथ गया। तो यहाँ पर आपसे मतलब पैसे कितने ले लिए थे उन्होंने? अभी आज तो 4000 रुपये लिए उनके साहब के सामने, 4000 रुपये लिए थे। और पहले पहले आप कितने दे चुके थे? पहले 2 दे चुका, 2 पहले दे चुके थे और 4 आज लिए हैं। आरोपी को पकड़े जाने की कार्रवाई बाहेती कॉलोनी में की गई, जहां से उसे कोतवाली ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पटवारी के परिजन ने यह आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में हंगामा खड़ा किया कि उसके भाई को लोकायुक्त की टीम द्वारा मारते हुए कोतवाली थाना लाया गया। सीसीटीवी कैमरे में है, इविडेंस है, इविडेंस है, इविडेंस है, पर्याप्त इविडेंस है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसमें दिख रहा है। और मैं गिरते पड़ते आ रहा हूँ जैसे तैसे गाड़ी संभालते हुए, मेरा तो ऐसे मेरा इलाज चल रहा पक्का। वहीं पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अश्विनी सैनी ने लोकायुक्त टीम पर आरोप लगाया कि पटवारी राजेश धात्रक को लोकायुक्त की टीम ने सुनियोजित तरीके से फंसाया। जो पड़ोसी है मनोज पारिक जी, उनके द्वारा बताया गया कि 10 लोगों के द्वारा 3 लोग लाद भूसे से मार रहे थे और 6-7 लोगों ने पकड़ करके उनको लेकर के गाड़ी में डाल के, टवेरा गाड़ी में डाल के लेके आए। ये प्रत्यक्षदर्शी है, लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश पटवारी संघ घोर निंदा करता है। इस तरह की जो कार्रवाई है, आपको अधिकार दिए, आप ठीक है कार्रवाई करें, अगर किसी ने शिकायत करी है तो उस पर कार्रवाई करें, मारने का अधिकार नहीं दिया। वो पूरा पटवारी समाज इस कार्रवाई का विरोध करता है और हम प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को, जो कार्रवाई हुई उसका विरोध करें। क्या कुछ लगता है कार्रवाई? लोकायुक्त इंस्पेक्टर विजय चौधरी ने पटवारी के साथ मारपीट की बात को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि आरोपी पटवारी ने रिश्वत के पैसे मुंह में चबाने की कोशिश की, इसलिए उनके मुंह से पैसे निकालने के लिए पुलिस को उनके साथ ऐसा करना पड़ा, लेकिन मारपीट की बात एकदम झूठी है। प्यासे हैं, 6 गांव माखन के रहने वाले, उनका भूमि नामांतरण का मामला था। उस भूमि नामांतरण को करने के एवज में पटवारी राजेश द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी, जिसके संबंध में आवेदक मांगीलाल जी प्यासे द्वारा लोकायुक्त इंदौर आकर और रिपोर्ट की गई थी, जिस पर उनको जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार एक टेप रिकॉर्डर दिया गया था और साथ में 6 साक्षी भेजा गया था। उसमें इनके द्वारा जब पटवारी से बात की गई तो उसने फिर से रिश्वत राशि की मांग की, जो रिकॉर्डिंग हुई उस रिकॉर्डिंग को सुना गया और ये पुष्टि हुई कि राजेश धात्रक पटवारी द्वारा फरियादी मांगीलाल जी प्यासे, जो कि केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, की भूमि का नामांतरण करने के लिए रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। जब इस बात की पुष्टि हो गई उसके बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा आज खंडवा में आकर इनके मकान पर इनको फरियादी मांगीलाल जी प्यासे से पैसे लेते हुए, रिश्वत राशि लेते हुए 4000 रुपये पकड़ा गया है, जिसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही
सिटी कोतवाली खंडवा में की जा रही है। सर, ये मारपीट के आरोप लगे हैं, पटवारी संघ के लोग कह रहे हैं कि आपके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। जब हम लोग आरोपी को लेकर नीचे उतर रहे थे, तब आरोपी ने अपनी जो रिश्वत राशि थी वो मुंह में रखकर चबाने का प्रयास किया और निगलने का पूरा प्रयास किया। चूंकि वो 8 नोट थे 500 रुपए के, 4000 रुपए रिश्वत राशि थी। काफी मशक्कत करके उसके मुंह से वो पैसे निकलवाए गए। मारपीट वगैरह की बात बिल्कुल झूठी है। लोकायुक्त पुलिस कोई मारपीट नहीं करती है, न ही किसी को अनर्गल फंसाती है। उसके साथ लोकायुक्त पुलिस की भी सहानुभूति रहती है, लेकिन इसके द्वारा इतना क्यों प्रयास किया गया कि उसमें मुंह से राशि निकलवाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ी, फिर उनके द्वारा राशि निकाल दी गई और फिर पुलिस के जो भी है हमारे साथ सामंजस्य उन्होंने बिठाया है, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की है। खंडवा से मनीष अहिरवार की रिपोर्ट।